मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, देख लो, बोले मैं हाथ भी जोड़ रहा हूँ सबके सामने, बैठ जाइए, आपको बैठने के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। किसी अन्य पार्टी के लोग भी कभी अब तो आए होंगे सुनने उठने के लिए, जानकारी लिए, आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ के ले जाओगे, रिकॉर्ड करेंगे तो ढंग से आएगा, आइए कि नहीं इसको पार्टी सब बैठ जाओ। कौन कौन है जरा मोबाइल वाले जरा चालू करो मोबाइल, वीडियो वीडियो करो लाइव में। रतलाम जिले से कौन कौन हाथ खड़े करो, नीचे करो, चालू करो अपना, चालू करो, चालू करो लाइव में, भाषण के जरिए संदेश वहां पर भी जाना है तो बताता सही है कि नहीं है, कहूँ ये अलीनाथपुर जाए कि जागुआ संभाल के उधर आए। आप सबको कोटि कोटि मतलब करोड़ करोड़ बार मैं जोहार करता हूँ। खबरें बार बार मेरे पास भी आ रही थी फोन कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि यार वो तो पक गया है, उसका वोट भी अपने को मिल जाएगा, अपने को सांसद पूछ जाए कि बुढ़िया जी ऐसा बोले। बीजेपी वाला बोले अरे बोले वो तो पैसा वैसा लेकिन पक गया वो तो, उसका वोट तो सारा बोले बीजेपी में आ जाए। मैंने बोला रुको तुम्हारी ऐसी कितनी ऐसी तुम्हारी कमलेश्वर ढोडियार, कमलेश्वर को जिताने वाले सेलाना विधानसभा के जनता कार्यकर्ता जिला पंचायत, क्या हम लोग आलू प्याज ये क्या बिकेंगे क्यों भाई? तो मैंने किया तुम तो अब रेस्ट करो दो ही पार्टी के लोगों, भाई तुम तो जीत रहे हो, हमको थोड़ी मेहनत करने दो, मान सम्मानजनक वोट लाना राइट। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आम जनता नहीं है। हाथ खड़ा करना ईमानदारी से, पहली बार इस मीटिंग में कौन आया, पहली बार आया कोई, कोई पहले आ चुके कि नहीं आ चुके? आदिवासी का नाम किसने किसने सुन रखा पहले से हाथ खड़े करो, सबने सुन रखा हाथ नीचे करो डाउन योर हैंड। बिल प्रदेश का नाम किसने किसने सुन रखा हाथ खड़े करो डाउन योर हैंड। भारत आदिवासी पार्टी का नाम किसने किसने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो, किसने किसने नहीं सुना हाथ खड़े करो। बालू सिंह गामर का नाम किसने किसने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। मीडिया वाले नोट करना, ये जनता नहीं है, दे आर अवर वर्कर्स। ये सारे कितना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत थोड़ी तो नहीं हो, दो मिनट बोल के ट्रेनिंग की बात करके चलो भैया, एक एक पोलिंग बूथ पर 95% वोट कास्टिंग करवानी है, 95% वोटिंग करवानी है। और वो कैसे होगी, वो आप और हम सब इधर ही है, मैं टंटिया मामा की कसम खा के बोल रहा हूं। अब खुटी में लोकसभा चुनाव की कब है तेरा कोई है, तो वो कुछ कुछ एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा। आज यहां पर जितना भी डूंगरपुर के साथी लोग आए हैं राजस्थान के, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर आज तुम जाओगे फिर कभी आना मत। ये लोकसभा चुनाव सांसद जीतने की जिम्मेदारी अकेली बालू सिंह की नहीं है, ये आदमी जीतेगा क्या इसके अकेले का फायदा करेगा क्या, पूरे समाज का करेगा कि नहीं करेगा? तो जिताने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है कि नहीं है? तो दूसरे प्रदेशों में दूसरे लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कैंपेनिंग के लिए और भी प्रचारकों की जरूरत है, तो वो राजस्थान वाले उसको हैंडल करें, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव नहीं पड़ चुका है, सही कि नहीं? सही। और पार्टी भी भारत आदिवासी पार्टी वही की, इसलिए आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। मगर जितने भी आज स्टार प्रचारक बैठे हुए आप लोग जाएंगे नहीं। 12 तारीख की कितने बजे तक की? 11 की 5:30 बजे साढ़े 5। मगर आप सबको पता होगा मेरा नाम कमलेश्वर है, लेकिन कोष्टक में पीछे मालिक का बंदा भी लगता है। मैं आपको 13 तारीख की रात तक नहीं जाने दूंगा। अरे पूरा वोटिंग करवाएंगे ना, आपको काम करना, यू हैव टू डू ड्यूटी, ड्यूटी करनी पड़ेगी। पुलिस वाले बोले कि विधायक जी क्यों रोक रहे हो, तो राजस्थान के लोग आचार संहिता का पालन करो ना। मैं इनको पुलिस वालों को बोलूंगा ये मिले ढूंढे तो उनको बोल दो तुम ये मिलेंगे ही नहीं, आपको छुप के काम करना है। आप और हम सब कार्यकर्ता स्टार कार्यकर्ता है सारे, बहुत ईमानदारी के साथ में कड़ी मेहनत और प्लानिंग रणनीति नाम का शब्द ना, रणनीति,
कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि अभी क्या हो गया। पुलिस वालों को आईबी फाईबी सीबीआई सीआईडी कुछ पता ही नहीं चलेगा इनको, यार ये क्या झूठ चल गया, इतने वोट कैसे आ गए, यार 10 लाख वोट कैसे आ गए इनके। अभी तक तो ये आकलन लगा रहे थे कि यार बालू सिंह ने हॉकी वोकी क्या है, चुनाव चिन्ह समझ में नहीं आएगा आदिवासी को, तो 10-20 हजार वोट आ जाएंगे। मगर अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करके बीजेपी और कांग्रेस को चकमा देते हुए 10 लाख तक वोट लेके जाएंगे। आप सबको कह रहा हूं 10 लाख वोटों की जरूरत क्यों है, सुनो, कांग्रेस और बीजेपी एक है, ये बात सही है कि नहीं है, जोर से बोलो, कांग्रेस बीजेपी एक है। अब जब 21 लाख के लगभग वोटिंग है, राइट, कंफर्म बताओ बालू सिंह जी कितना है, हाँ मतलब 21 लाख, राइट, 21 लाख में से लगभग लगभग 1 लाख आदिवासी लोग मजदूरी पर गई, वो बाहर आउट ऑफ स्टेट पलायन पर, बचे कितने, 20 लाख, 20 लाख में से लगभग लगभग 3.5-4 लाख वो वोट है जो आदिवासियों से नफरत करता है, मतलब अपर कास्ट का वोट। बहुत सारे अपर कास्ट के लोग अच्छे भी है, लाइक मामा बालेश्वर दयाल, अपने मानगढ़ धाम वाले गोविंद गुरु, इस टाइप के भी लोग। तो बीजेपी और कांग्रेस का जो गैर आदिवासी अपर कास्ट के लोग 3.5 लाख और 1 लाख पलायन वाले, कितना हो गया माइनस, लगभग मोटा आइडिया 4 लाख माइनस कर दो, कितना आप बचा, 21 में से 4 कितना बचा, 17 बजे। अब बीजेपी और कांग्रेस एक है, वोटिंग 13 को है, 12 तारीख को रात को 10 बजे बाद से लेकर के बीजेपी कांग्रेस एक हो जाएगी रात को, तो 17 में से लगभग लगभग 7-1 लाख वोट ये दो ही पार्टी मिलकर के लाएगी। ये दोनों ही पार्टियां आपस में लड़े मरे तो भी 3.5 लाख, और दोनों ही पार्टियां एक हो जाए तो भी इनको 7 लाख से ऊपर नहीं जाने देना। 17 में से 7 इन दो ही पार्टी को निकाल दो, बचा कितना, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख इसलिए लाना पड़ेगा कि मेरे को रतलाम जिले के सेलना विधानसभा के लोगों ने, मतलब मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में फेमस कर दिया मेरे को, मैं पागल हो गया, क्या हो गया, पेपर में कमलेश्वर, टीवी में कमलेश्वर, सुनी नहीं पड़ी। मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपया प्रति महीने की नौकरी सरकारी छोड़कर ये व्यक्ति बैठा हुआ बालू सिंह का बन, इस व्यक्ति को रिजल्ट किस दिन आ रहा है, कौन से 4 जून को इस व्यक्ति का नाम पूरे भारत में फेमस करना है, जिताना बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा फेमस सेलाना विधानसभा के लोगों ने मेरे को किया था पूरे भारत में, वैसा का वैसा नाम अगर इनका हो जाएगा तो बिल प्रदेश की जो अपनी लड़ाई है पूरे समाज की, जाजम की, वो मैंने तो छेड़ रखी है भोपाल में, मैं बोलता भी उनमें तो लिखा डैश बोर्ड पर लेके आ गया बिल प्रदेश, पता है कि नहीं आपको, बिल प्रदेश की लड़ाई लिखित में कागज में लेके आ गया, वो कार्रवाई चल रही है वहां पर, वो रुकेगी नहीं, विधानसभा की कार्रवाई कभी रुकती नहीं, जब तक बिल प्रदेश अलग राज्य बने न जाए तब तक वो कार्रवाई रुकेगी नहीं। मैंने अपनी लड़ाई विधानसभा भोपाल के अंदर डाल चालू कर दी, मैंने प्रश्न लगाया कि भाई बताओ ना क्या कब तक बना दोगे, तो मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया कि विधायक जी दिल्ली में संसद के अंदर में ज्यादा पावर है बिल प्रदेश बनाने का। तो मैंने बोला आप क्या करें, बोला आप दिल्ली संसद में जाके पता करो, तो मैंने बोला हम बालू सिंह को पहुंचा रहे हैं दिल्ली। मेरा कौन मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है आप एक आदमी को दिल्ली पहुंचा, किसने बोला, यह रिकॉर्ड करो मीडिया वाले पहुंचवाओ, क्या बोला कि नहीं बोला तुमने कांग्रेस वाले। मेरा कौन मोहन जी यादव साहब ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनने बोला है एक आदमी तुम्हारा बिल प्रदेश की मांग करने वाला दिल्ली पहुंचा संसद में लोकसभा में। कांतिलाल जी बुढ़िया साहब बिल उठाए, बिल प्रदेश का मुद्दा उठाया, देखो आदमी अच्छा मैं किसी की बुराई नहीं, मैं भी कमलेश्वर में वो भी कांतिलाल जी राशि तो एक ही, मैं ज्यादा बुराई नहीं करूँ, आचार संहिता का पालन है। फिर एक का क्या नाम विजय वाले का, अनीता मैडम ना, संगीता का अनीता, अनीता, ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले दबाव में हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर चलते हैं, खाते हैं पीते हैं, क्या ये डरपोक लोग बिल प्रदेश की आवाज उठा सकते हैं क्या, तो पार्लियामेंट में बालू सिंह की जरूरत है कि नहीं है, ये मुख्यमंत्री साहब के हैं। दूसरी बात,
लोकसभा में पूरे भारत से लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? पूरे भारत से। दक्षिण भारत से आते हैं, ईस्ट इंडिया से आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। हम तो मध्य प्रदेश वाले हैं, हमको आदिवासियों में बात करना है, आदिवासियों की। तो हम बात करें, अगर कांतिलाल जी बुढ़िया साहब, और अगर मान लो पहले कौन थे, गुमान सिंह जी थे, ये हिंदी में बोले, तो अगर हमारा व्यक्ति वहाँ पार्लियामेंट में आवाज उठाता है हिंदी में, तो ईस्ट इंडिया का आदिवासी समझ सकता है क्या उसको? उड़ीसा का आदिवासी समझ सकता है क्या? मगर ये 1,00,000 रुपए की तनख्वाह की नौकरी इंजीनियर की छोड़कर आए हैं भदौरिया साहब। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होती पूरे भारत में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताओ है? अशोक, अशोक सम्राट अशोक कॉलेज का नाम है, बहुत टॉप फेमस है। ऐसी जगह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ये। तो मेरे भी दिल्ली में पढ़ा हूँ, मेरे को तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ना वोट आती, मैं सिखा दूंगा। ये दिल्ली के अंदर में इनकी जरूरत है, बुढ़िया साहब की जरूरत नहीं है। और अनिता मैडम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। यार बेचारी मैडम जिला पंचायत में काम कर रही थी। वो जिला पंचायत में कानून का नाम क्या है? पंचायत अधिनियम। वहाँ किसी को पेंशन दिलवानी है, क्या करते जिला पंचायत में? पेंशन है, मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली वो डलवानी है, कोई रोजगार साझा किसी की फर्जी हाजिरी भर के पैसा खा गया वो बात उठानी। तुम्हारी जरूरत मैडम की वहाँ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में इस व्यक्ति की जरूरत है। इंग्लिश में 5वीं अनुसूची संविधान की, उसको लागू करवाना है, भारत के संविधान में अधिकार लागू करवाना है। ये कह रहा है, मजे ले रहे हो, हम तो गलती से भी जीत कर पूरा संविधान खत्म कर देंगे ऐसा बोल रहे बीजेपी के लोग। मैंने कहा आप तुमको गलती से क्या, तुमको असल में भी नहीं जीतने देंगे। आप सब लोग कार्यकर्ता हो, आम जनता नहीं है, और आप लोग आज ट्रेनिंग में आए थे। आज की मेरी ओर से आपको सुझाव है, एक एक व्यक्ति अपने अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में, एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति को बोलना, अगर बीजेपी जीत गई तो अपना जो बड़ा कानून है, जिस कानून की वजह से हम सब जिंदा है, वो कानून अगर खत्म हो जाएगा तो क्या आप हम सब जिंदा रह पाएंगे क्या? भारत का संविधान बीजेपी आएगी अब तो खत्म, रिपील कर देगा, पता नहीं कौन सा पुआ आ जाएगा, अनुवादी मनुवादी। मैं पूरे भारत के आदिवासियों की आवाज उठा रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की आवाज सदन के अंदर भ्रष्टाचार बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा हूँ। सरकार ने मेरे को 2 पुलिस बल दिए कि नहीं किए तो। अगर बीजेपी संविधान खत्म कर देगी तो क्या मेरे को सुरक्षा के लिए पुलिस मिलेगी क्या? जब विधायक को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, महिला, इनकी सुरक्षा का कुछ कल्पना कर सकते हैं क्या? अस्तित्व